नोकिया 7 प्लस वर्सेस ओप्पो F7 कैमरा कंपैरिजन। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। आज के स्टूडियो में कर रहा हूँ कैमरा कंपैरिजन नोकिया 7 प्लस और ओप्पो F7 के बीच में। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे, और एक बार स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं किस फोन की बेटर है। तो मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा वीडियो स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन की बेटर है। मैंने बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, काफ़ी सारे वीडियो सैंपल्स भी लिए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा किस फ़ोन का कैमरा बेटर है। अब एक बार चलते हैं लोलाइट कंडीशंस में और देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो अब हम आ गए लोलाइट कंडीशंस में। क्वालिटी मुझे दोनों फ़ोन्स की काफ़ी एवरेज लग रही है। दोनों फ़ोन्स के बेस्ट बाय लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन लिंक से परचेज करोगे तो चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेल्फीज जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। तो ये सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में। ओप्पो F7 की इमेज में जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू नोकिया 7 प्लस, बट बैकग्राउंड में जो डायनेमिक रेंज है वो नोकिया 7 प्लस की इमेज में बेटर है। नेक्स्ट इमेज में भी आप नोटिस कर सकते हो कि मैं मेन सब्जेक्ट हूँ इस इमेज में, और मेरे फेस पे जो डिटेल्स हैं वो ओप्पो F7 की इमेज में बेटर है, बट अगेन बैकग्राउंड में नोकिया 7 प्लस की इमेज में डिटेल्स बेटर हैं। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही इमेजेस में बैकग्राउंड में रियलिस्टिक ब्लर देखने को मिलता है। मेरे फेस पे इनफ डिटेल्स हैं दोनों पिक्स में, लेकिन जो एजेस हैं वो ओप्पो F7 बेटर डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि आप मेरी शोल्डर की तरफ देख ही सकते हो। और अगर आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करके ग्रुप सेल्फी कैप्चर करते हो तो नोकिया 7 प्लस के यहाँ पे रिजल्ट्स बेटर हैं, बिकॉज उसने फर्स्ट पर्सन पे भी फोकस लॉक करा है और सेकंड पर्सन पे भी फोकस लॉक करा है, एजेस को बेटर डिटेक्ट करा है, सिर्फ बैकग्राउंड में ही ब्लर देखने को मिलता है। लेकिन ओप्पो F7 में फर्स्ट पर्सन पे फोकस लॉक किया है और बैकग्राउंड के साथ सेकंड पर्सन को भी ब्लर कर दिया है। अब ये सेल्फी मैंने कैप्चर करी है ब्यूटी मोड ऑन करके। नोकिया 7 प्लस में नॉर्मल ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिलता है, बट ओप्पो F7 में AI बेस्ड ब्यूटी मोड मिल जाता है, और ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको इसे यूज़ करना है या नहीं। मैं कहूँगा अगर शादी के रिश्ते के लिए अपनी फोटो भेज रहे हो तो इस मोड को यूज़ ज़रूर करो, बिकॉज ये स्किन टोन को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है और ओवरऑल जो इमेज है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। फाइनली अब ये सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है लोलाइट कंडीशंस में। आप देख सकते हो नोकिया 7 प्लस की इमेज में काफ़ी नॉइस है, और ओप्पो F7 की इमेज में डिटेल्स भी काफ़ी बेटर हैं और ये लाइट भी ज़्यादा गैदर कर लेता है। तो लो लाइट कंडीशंस में अगर आप सेल्फीज कैप्चर करते हो तो ओप्पो F7 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। दोनों ही फोन्स में डिस्प्ले फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं वो ओप्पो F7 के बेटर हैं। ओवरऑल इमेज शार्प लगती है और स्किन टोन्स भी काफ़ी बेटर आती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में। ओप्पो F7 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता, और नोकिया 7 प्लस हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ दोनों फ़ोन से ये वीडियो। जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब एक बार मैं फोकस चेक कर रहा हूँ। दोनों ही फ़ोन फोकस लॉक कर पा रहे हैं, तो फोकस लॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नोकिया 7 प्लस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, बट ओप्पो F7 में किसी भी तरह की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। अब मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ। एंड एज एक्सपेक्टेड नोकिया 7 प्लस की वीडियो स्टेबलाइजेशन मेरे को बेटर लगी है। अब ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में, और ये सैम्पल शॉट काफ़ी सिमिलर आया है दोनों ही फ़ोन से। जो कलर कंट्रास्ट है वो भी सिमिलर है, इनफैक्ट जो डिटेल्स हैं वो दोनों ही पिक्स में इनफ हैं। नेक्स्ट मैंने ये एक पिंक फ्लावर की पिक कैप्चर करी है। यहाँ पे ओप्पो F7 में जो कलर्स हैं वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं, बट ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को थोड़े से बूस्टेड कलर्स पसंद आते हैं, लेकिन नोकिया 7 प्लस में जो कलर्स हैं वो काफ़ी नेचुरल हैं और क्लोज टू रियलिटी हैं, और डिटेल्स देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही पिक्स में। ये एक मैक्रो शॉट मैंने कैप्चर करा है। इस इमेज में अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप नोटिस कर सकते हो कि नोकिया 7 प्लस की इमेज में जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है काफ़ी डिस्टेंस से।
and the results are pretty similar. Both the images have enough details. बट जैसा कि आपको पता है नोकिया 7 प्लस में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और जो सेकेंडरी सेंसर है वो एक टेलीफोटो लेंस है. 2x जूम यूज़ करने के बाद मेरे को नोकिया 7 प्लस की इमेज में जो डिटेल्स हैं वो बेटर देखने को मिली हैं. अब ये एक परफेक्ट सैम्पल शॉट है दोनों ही इमेजेस की डायनेमिक रेंज चेक करने का, बिकॉज बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और ब्राइट एरिया में नोकिया 7 प्लस की इमेज में आप नोटिस करोगे जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर है. इवन डार्कर एरिया में भी नोकिया 7 प्लस की इमेज में नॉइस कम है और ओवरऑल इमेज ज़्यादा शार्प है. दोनों फोन्स के रेयर कैमरा से आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो और नोकिया 7 प्लस के रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव है एज कम्पेयर टू ओप्पो F7, बिकॉज जो एज डिटेक्शन है वो नोकिया 7 प्लस की बेटर है और नोकिया 7 प्लस में आप बैकग्राउंड ब्लर भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव आते हैं. ओप्पो F7 में जो एजेस हैं वो थोड़ी सी स्मज्ड आती हैं और अगर आप पोर्ट्रेट मोड से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करते हो तो ओप्पो F7 का पोर्ट्रेट मोड वर्क ही नहीं करता, जबकि नोकिया 7 प्लस में एक ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट देखने को मिला है. तो पोर्ट्रेट मोड मेरे को पर्सनली नोकिया 7 प्लस का ही बेटर लगा है. नोकिया 7 प्लस से आप स्लो मोशन वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ओप्पो F7 में स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता. ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में. नोकिया 7 प्लस आर्टिफिशियल लाइटिंग्स में एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है और जो इमेज है वो ओवर एक्सपोज लगती है. ओप्पो F7 की इमेज में जो कलर कंट्रास्ट है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट देखने को मिलता है, इनफैक्ट जो डिटेल्स हैं वो भी स्लाइटली बेटर है. ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे और मुझे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लग रही है नोकिया 7 प्लस की एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F7. बाकी अब मैं ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ और दोनों ही फ़ोन्स फोकस लॉक कर पा रहे हैं. थोड़ा सा टाइम लग रहा है फोकस लॉक करने में. बाकी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है. तो अगर आपको लो लाइट कंडीशंस में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो नोकिया 7 प्लस एक बेटर ऑप्शन रहेगा. फाइनली अब ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है लो लाइट कंडीशंस में एंड बोथ द फोन्स कैन गैदर गुड अमाउंट ऑफ लाइट, जिसकी वजह से जो डिटेल्स हैं वो भी इनफ देखने को मिलती है दोनों पिक्स में. बाकी के सैम्पल शॉट्स में भी आप नोटिस कर सकते हो दोनों ही फोन से ली गई इमेजेस में जो डिटेल्स हैं वो इनफ है. कलर कंट्रास्ट का थोड़ा सा फर्क है. नोकिया 7 प्लस में जो कलर्स हैं वो क्लोज टू रियलिटी है और मुझे पर्सनली स्लाइटली बेटर लगे हैं. अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में और यहाँ पे दोनों ही फोन से ली गई इमेज में काफी नॉइस देखने को मिलती है और जो डिटेल्स हैं वो भी काफी कम है. और ये सेम इमेज मैंने फ्लैश ऑन करने के बाद कैप्चर करी तो नॉइस लेवल्स काफी रिड्यूस हो गए और जो डिटेल्स हैं वो भी काफी इंप्रूव हो गई है. ओवरऑल इमेज काफी शार्प लगती है. जो आप कलर कंट्रास्ट का डिफरेंस देख रहे हो उसके पीछे रीजन ये है कि ओप्पो F7 में सिंगल टोन डुअल LED फ्लैश मिलती है और नोकिया 7 प्लस में डुअल टोन डुअल LED फ्लैश मिलती है. तो नोकिया 7 प्लस में जो कलर्स हैं वो थोड़े से वार्म लगते हैं और ओप्पो F7 में जो कलर टोन है वो थोड़ी सी कूल लगती है. सारे वीडियो सैंपल्स और कैमरा सैंपल्स देखने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे. देखो दोनों फोन्स के प्राइस में थोड़ा फर्क है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ. अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा फ़ोन सही रहेगा. अगर आपको 4K वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और पोर्ट्रेट मोड बेटर चाहिए रियर कैमरा का तो नोकिया 7 प्लस आपके लिए बेटर ऑप्शन है. फ्रंट कैमरा ओप्पो F7 का बेटर है, डे लाइट हो या लो लाइट हो. इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड भी फ्रंट कैमरा का बेटर है ओप्पो F7 का. और रेयर कैमरा की जहाँ तक बात रही तो इससे आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हो, स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट डे लाइट में और लो लाइट में कैसी भी लाइटिंग कंडीशंस हो रेयर कैमरा से आप काफ़ी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो. बट रेयर कैमरा का पोर्ट्रेट मोड इतना इंप्रेसिव नहीं है. तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा फ़ोन सही रहेगा. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू गाइज हैव अ ग्रेट डे.